हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्वेटर का नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये स्वेटर जो है मैंने गर्ल्स के लिए बनाया हुआ है, जो 10-11 ईयर्स के लिए लड़की के लिए बनाए हुए है ये मैंने स्वेटर। तो इसमें ये मैंने डिजाइन डाला हुआ है, ये थोड़ा जाली वाला डिजाइन है ये मैंने डाला हुआ है, और बीच में मैंने उल्टी उल्टी लाइन बनाई हुई है। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, ये हमारे आगे के दो पेस हैं और ये हमारा पीछे का पल्ला है। तो इसमें मैंने पीछे के पल्ले में मैंने कितने फंदे लिए हैं, तो इसमें मैंने शुरू में मैंने 127 फंदे लिए हुए हैं। और फिर क्या किया हुआ है, ये मैंने 127 फंदे लेने के बाद मैंने ये इतना सा मैंने बना लिया है। फिर इतना सा बनाने के बाद मैंने हर एक ये सिंपल सिंपल लाइन जो है इसमें मैंने एक एक फंदा कम कर दिया है। इतना सा बनाने के बाद यानी कि 5-6 लाइन बनाने के बाद मैंने क्या किया हुआ है कि एक फंदा इस लाइन में मैंने कम कर दिया है, एक फंदा इस लाइन में 2 का 1 बना दिया है, फिर एक फंदा इसमें, एक फंदा इसमें, ये जो मैंने सिंपल सिंपल लाइन बनाई हुई है इसमें मैंने एक एक फंदा कम कर दिया। तो यहाँ हमारे जाकर जो फंदे बन गए, फिर एक एक फंदा घटा दिया हमने, तो यहाँ हमारे 8 फंदे जो हैं कम हो गए। हमने नीचे जो है 127 फंदे लगाए थे, ऊपर हमने हर एक ये सिंपल लाइन में एक एक फंदा कम किया है, तो 8 फंदे हमारे कम हो गए। फिर हमने इतना सा बनाने के बाद फिर हमने एक एक फंदा फिर ऊपर इतना सा ऊपर बना के एक एक फंदा फिर से हमने हर एक सिंपल लाइन में कम कर दिया है, तो 8 फंदे हमने फिर ऊपर कम कर दिए है, तो हमारे हो गए फिर 16 फंदे कम हो गए। फिर इसके बाद जो हमने सारा ऊपर तक ऐसे ही बनाया हुआ है, यहाँ तक मैंने डिजाइन डाला, फिर ऊपर मैंने ऐसे सिंपल ही बनाया है। तो फिर यहाँ बनाने के बाद फिर मैंने ऊपर तक ऐसे सिंपल बनाया, फिर ऊपर कोई फंदा नहीं हमने कम किया है। और फिर वैसे ही हमने ये हमारे आगे के पल्ले जो हैं इसमें मैंने ऐसे किया हुआ है कि जब मैंने नीचे जो है फंदे लगाए हुए थे, तो मैंने 65 फंदे लगाए हुए थे, ये आगे के पीस में 65 फंदे लगाए हुए थे, और दूसरे पीस में भी मैंने ऐसे ही 65 फंदे लगाए हुए थे। जो हमारा ये इतना सा कंप्लीट हो गया, ये पल्ला हमारा इतना सा कंप्लीट हो गया, तो फिर हमने ये हमारे जो उल्टी उल्टी और उल्टी उल्टी और दूसरी तरफ से हमारे ये सीधी सीधी लाइन आ रही है, तो फिर हमने इन सीधी सीधी लाइनों में यानी कि इन उल्टी उल्टी लाइनों में हमने एक एक फंदा जो है कम कर दिया, मतलब 2 फंदों का हमने एक फंदा बना दिया। हर एक ये सिंपल लाइन जो हमारी इसमें 2 का 1 2 का 1 2 का 1 कर दिया। तो फिर इसमें हमारे जो हैं इतना सा बनाने के बाद हमने एक एक फंदा जो हर एक लाइन में कम कर दिया, फिर इतना सा बनाने के बाद हमने फिर इतना सा बनाया और फिर ऊपर हमने एक एक फंदा और कम कर दिया, तो फिर हमारे फंदे जो हैं 8-8 फंदे जो हमारे कम हो गए, 4 फंदे हमारे नीचे कम हो गए और फिर 4 फंदे हमारे ऊपर हर एक लाइन में कम हो गए। तो हमारे 8 फंदे जो हमारे इस पल्ले में भी कम हो गए और 8 फंदे हमारे आगे के पल्ले में भी कम हो गए। नीचे 4 फंदे हमारे नीचे कम हो गए और 4 ऊपर हमारे कम हो गए, 2 का 1 1 बना के। फिर 8 फंदे इसमें और 8 फंदे इसमें हमने आधा पल्ला बनाने के बाद कम कर दिए। फिर ऊपर जो हमने ऐसे ही डिजाइन जो अपना चलता गया वैसे चलाते गए, और फिर उसके बाद हमने ऊपर ऐसे सिंपल सी लाइनें बनाई। तो मैं ये आपको डिजाइन जो बना के दिखाती हूँ कि ये डिजाइन मैंने कैसे बनाया है। ये हमने एक एक फंदा जो कम किया है, तो हमने यह आपको ऐसे कम करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने नीचे से ये जो है फ्रॉक टाइप बनाई हुई है, तो हमने नीचे थोड़े ज़्यादा फंदे लगाए हुए हैं और फिर ऊपर हमने कम करते गए और फिर ऊपर और कम करते गए और फिर ऊपर से ऐसे ही बनाते गए, इसलिए हमारी जो नीचे थोड़ी ऐसी झालर टाइप आ गई है, फ्रॉक टाइप आ गई है हमारी ये स्वेटर। और फिर मैं आपको ये जो है डिजाइन इसमें डाला हुआ है ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि कैसे ये डिजाइन जो है डालना है। तो इसमें मैंने ये सबसे पहले ये मैंने बॉर्डर लगा के रखा हुआ है और इसमें मैंने 37 फंदे लिए हुए हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसमें जो है
आठ फंदे जो हैं, ये मैंने बीच का गैप जो रखा हुआ है शुरू में, मैंने सात सात फंदों का गैप रखा हुआ है, फिर ऊपर जो हमारे एक एक फंदा कम हुआ तो छः छः रह गए, फिर एक फंदा कम हुआ तो हमारे पाँच पाँच फंदों का गैप चलता गया, ऊपर हमारे पाँच पाँच फंदों का गैप लिया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये पहला फंदा जो हमारा स्टिचिज का है, और फिर धागा ऊपर किया, और ये हमारे आगे के सात फंदे उल्टे बनाने हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और एक सात। ये सात फंदे हमारे उल्टे हो गए, एक हमारा स्टिचिज का, एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक आठ। अब ये हमने क्या करना, धागा जो नीचे कर देना है, फिर आगे के हमने सात फंदे सीधे बनाने हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और एक सात। ये सात फंदे हमने सीधे बना लिए, फिर धागा ऊपर किया, फिर आगे के सात फंदे जो हमने उल्टे बनाने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और एक सात। ये सात फंदे जो हमने उल्टे बनाए, फिर से धागा जो हमने नीचे किया, और फिर से आगे के फंदे हमने सात फंदे जो हमने सीधे बनाए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और एक सात। फिर से आठ फंदे जो हमने ऊपर की तरफ बनाए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और एक सात। और ये हमारा लास्ट फंदा जो है स्टिच का, ये हमारी पहली फर्स्ट रो जो हमने ऐसे की, पहले आठ फंदे उल्टे, फिर सात सीधे, फिर सात उल्टे, फिर सात सीधे और फिर सात उल्टे, और एक लास्ट में इस साइड में दोनों में एक एक फंदा हमने स्टिच के लिए छोड़ा हुआ है। फिर हमने सेकंड रो में क्या करना है, जो फंदे हमने इस साइड से उल्टे बनाए थे वो हमने इस साइड से सीधे बनाने हैं। पहला फंदा मैंने ऐसे ले लिया, और फिर आगे के सात फंदे जो मैंने ऐसे सीधे बनाए, सात फंदे सीधे बनाए, फिर धागा जो है ऊपर किया मैंने, और फिर ये आगे के फंदे हमने इस तरफ से सीधे बनाए थे, और इस तरफ से हमारे अब ये उल्टे आएंगे, ये सात फंदे हमारे ऐसे उल्टे। ये सात फंदे हमारे उल्टे आके अब धागा नीचे, फिर से आगे के फंदे हमने इधर उल्टे बनाए थे सात, तुम्हारे इधर अब सीधे आएंगे।
ये हमारे 7 फंदे जो सीधे हो गए, धागा ऊपर किया, अब ये हम इस तरफ हमारे फंदे सीधे थे और इस तरफ हमारे उल्टे आ रहे हैं, तो ये हमने उल्टे बनाने हैं आगे के 7 फंदे। ये हमारे 7 फंदे सीधे उल्टे हो गए, अब धागा नीचे, और ये हमारे लास्ट के 8 फंदे इस तरफ जो हमारे सीधे उल्टे थे, अब इस तरफ हमारे सीधे आएंगे। ये लास्ट का फंदा भी ऐसे बना लिया। ये हमारी दो रो जो हमारी कंप्लीट हो गई। जो फंदे हमने इधर उल्टे बनाए थे वो हमने इधर सीधे बनाए, और जो सीधे थे वो इधर उल्टे बनाए। अब हमारी थर्ड रो में हमने क्या करना है कि ये हमारे जो पहले एक फंदा ऐसे ले लिया और आगे के 7 फंदे जो हमारे उल्टे हैं वो हमने ऐसे ही उल्टे बनाने हैं। ये हमारे 7 फंदे जो उल्टे हो गए, और फिर हमने जो धागा नीचे करना है, और आगे हमारे जो हैं ये 7 फंदे सीधे आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, पहले फंदा जो हमने ऐसे सीधा बनाया, और फिर आगे के ये 2 फंदे जो हमारे ऐसे हमने एक साथ बनाने हैं। तो ये हमारा ये आगे का फंदा जो पीछे वाला हमने ऐसे करना है आगे, और आगे का पीछे कर दिया। फिर हमने 2 फंदों का हमने एक फंदा जो है बना देना। ये 2 का एक बना दिया, पहले हमने एक फंदा बनाया, फिर 2 का एक बना दिया, फिर जो हमने धागा ऊपर लेकर आए, और फिर हमारी इधर जाली डलेगी, फिर आगे का फंदा हमने फिर ऐसे सीधा बनाया, और पीछे हमारी जाली आ गई, फिर हमारी इधर जाली आएगी, धागा ऊपर किया, और फिर ये आगे के 2 फंदों का हमने फिर से एक फंदा बनाया। ये 2 का एक हो गया, तो हमारा इधर जाली डल गई, और फिर आगे का एक फंदा हमने ऐसे सीधा बनाया। यहाँ हमने 2 का एक बनाया तो एक हमारा बढ़ गया, और फिर से यहाँ हमने 2 का एक किया तो हमारा इधर जाली आ गई, यानी कि एक फंदा बढ़ गया, और फिर से धागा ऊपर किया, और फिर आगे के ये 7 फंदे जो हमारे उल्टे हैं तो ये हमने सारे उल्टे बनाने हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। अब ये हमारे आगे के सीधे फंदे आ गए, तो हमने क्या किया, धागा नीचे किया, और फिर पहला फंदा जो हमने जैसे पीछे पहला फंदा हमने ऐसे सीधा बना लिया, और फिर आगे के 2 फंदे जो हमने 2 का एक करना है, तो हमने ये पहले पीछे का फंदा हमने आगे ले लिया, और आगे वाला फंदा ऐसे पीछे कर दिया, फिर इन दोनों फंदों का हमने एक फंदा बना दिया। ये हमने 2 का एक बना दिया, यहाँ हमारा फंदा जो घट गया तो ये हमने जाली डाल दी, और एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ जाएगा। इसे एक फंदा सीधा बनाया, फिर से धागा ऊपर, फिर से ये 2 फंदे हमने एक साथ बनाए, और पीछे हमारा एक फंदा बढ़ गया, फिर आगे का एक फंदा बचा सीधा, वो हमने ऐसे बना लिया, फिर धागा ऊपर किया, ये आगे के हमारे फिर से 7 फंदे और एक लास्ट का फंदा, ये हमने सारे उल्टे बना लिए। ये हमारी अब थर्ड रो जो है कंप्लीट हो गई। अब हमने फोर्थ रो में क्या करना है, ये वैसे ही हमारे जो सिंपल फंदे हैं ये हमारे अब सीधे हैं और इस साइड उल्टे आए, तो ये हमने सीधे इस तरफ हमारे सीधे आ रहे हैं, तो ये हमने अब सारे सीधे फंदे बनाने हैं।
ये 8 फंदे जो है हमारे एक साइड का और 7 फंदे। हमारे सीधे फंदे आ गए और फिर क्या करना है, ये धागा ऊपर किया और जो हमारी जाली डल रही है वो हमारे इस साइड से उल्टे फंदे हमने बनाने। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये सारे ऐसे ऊपर की तरफ बनाने। ये जाली जो डली है ये भी हमने ऐसे बना लेनी है। सेवन फंदे हमने बना लिए। अब धागा नीचे, ये आगे हमारे सीधे फंदे आ रहे हैं तो हमने इस तरफ से सारे सीधे ही बनाने। ये हमारे सीधे फंदे हो गए। अब धागा ऊपर। अब ये जो हमारे जाली वाले, ये जहां हमने घटाए थे और जाली डाली, ये सारे हमने फंदे इस साइड से उल्टे बनाने हैं। ये 7 फंदे उल्टी सिलाई में हमने जो सीधे बनाए वो सीधे, जो उल्टे आए हमारे वो हमने उल्टे ही बनाने हैं। इसमें कोई जाली जूली नहीं डालनी है। ये आगे के हमारे सीधे फंदे हैं, ये हमने 7 फंदे जो बना दिए उल्टे। अब धागा नीचे करना है और लास्ट के फिर से हमने 7 फंदे और एक लास्ट का फंदा जो हमने सारे ये सीधे हैं हमारे आगे के, तो हमने ये सीधे फंदे बनाने हैं। हमारी ये फोर्थ रो जो है कंप्लीट हो गई। अब सीधी की तरफ हम फिफ्थ रो में आते हैं। तो ये जो हमारे अब उल्टी उल्टी लाइन जो है ये हमारी ऐसी बनती जाएगी। तो ये हमने फिर से 7 फंदे जो हैं और एक साइड का ये हमने सारे उल्टे ही बनाने हैं। अब पहले क्या किया था हमने कि हमने पहले एक फंदा बनाया था, फिर दो का एक किया था और फिर जाली डाली थी। अब हमारी यहाँ जाली है तो हमारी साइड में दो फंदे बचे हैं, तो हमने ये साइड वाले इन दो फंदों का एक फंदा बना लेना है। तो पहले आगे वाला फंदा हमने पीछे ले आना है और पीछे वाला आगे कर देना है। फिर हमने इधर का जो नीचे किया, फिर हमने दो का एक फंदा बनाया, दो का एक बनाया। फिर जहाँ हमने दो का एक करना है उसके साथ हमने जाली डालनी है। जैसे हमने एक नीचे एक फंदा बनाया था, फिर दो का एक किया था, फिर जाली डालनी थी। अब हमने दो का एक किया, फिर जाली डाली और फिर ये आगे की जाली भी हमने ऐसे ही बना लेनी है। और फिर हमारा ये बीच का फंदा बना लिया। अब ये जाली बना ली। अब फिर हमारी जाली आएगी और लास्ट के हमारे दो फंदे सीधे हैं तो हमने इन दोनों का एक कर दिया। फिर से हमारा धागा जो ऊपर आ गया और आगे के 7 फंदे फिर से हमने ये उल्टे बनाने। ये 7 फंदे उल्टे हो गए, धागा नीचे। फिर से वही, ये हमारे अब जाली है, ये बीच का हमारा फंदा जो जाता जा रहा है ऊपर तक, इसके साथ हमने जाली डाली थी पहले और अब हमारी ये दो फंदे रह गए तो इन दोनों का हमने एक कर देना है। पीछे का आगे और आगे का पीछे कर दिया फंदा हमने। इन दो फंदों का हमने एक बना दिया। तो फिर उसके बाद हमने जाली डाल दी और ये पीछे वाली जाली जो हमने ऐसे बना ली और ये सीधा फंदा बना लिया। फिर ये जाली बनाई, फिर धागा ऊपर किया और फिर लास्ट के दो फंदों को हमने फिर से एक बनाया और पीछे हमारा फंदा पड़ गया ये जाली वाला।
फिर से धागा ऊपर किया और आगे के ये सात फंदे हमने और एक उल्टा बना लिया। अब हम सिक्स्थ रो में क्या करेंगे, ये हमारे सीधे फंदे जो हमने सीधे बनाने और ये जाले वाले जो हैं ये सारे हमने उल्टे बनाने हैं। फिर से सीधे, ये उल्टे और ये सीधे, ये मैं आपको लाइन जो कंप्लीट करके बताती हूँ। ये जो हमारे अब सिक्स्थ रो जो उल्टी की तरफ कंप्लीट हो गए और फिर ये हमारे जो डिजाइन जो हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारी फोर लाइन का डिजाइन है। हमने टू रो जो है इधर नीचे डाली हुई थी, अब ऊपर हमारी टू रो जो है नहीं आएगी, सिर्फ हमारी ऊपर की फोर रो जो है वही बार बार कंप्लीट हो जाएगी। अब फिर से मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे ये डिजाइन जो शुरू करना है। ये हमने पहले सात फंदे जो हमने ऐसे ही उल्टे बना लेने हैं। से धागा नीचे किया, ये सात फंदे हमने और एक आठ उल्टे बना लिए, फिर धागा नीचे किया। जैसे पहले की तरह हमने ये हमारा बीच का फंदा जो है ये ऐसे ही हमारा ये चलता जाएगा। तो पहले हमने क्या किया था, एक फंदा हमने ऐसे सीधा बना लिया था, एक फंदा सीधा बनाया था, फिर आगे के दो फंदों का हमने एक किया था। पहले एक ऐसे सीधा बनाया, फिर दो का एक करना है। तो दो का एक कैसे करेंगे, ये आगे का पीछे, पीछे के आगे फंदा किया और फिर ये दो का एक बनाया। ये दो का एक बनाने के बाद हमने जो है इधर जाली डाल दी और फिर ये हमारा बीच वाला फंदा जो है ऐसे चलता जाएगा। ये हमारे सात फंदे हैं तो हमने ये बीच वाला तीन तीन फंदे साइड लिए हैं और बीच का सेंटर का फंदा लिया हुआ है और ये जाली और फिर से ये बीच वाले के फंदे से साइड वाले हमारे जो दो फंदे हैं इनका हमने दो का एक बना दिया। दो का एक बना दिया, फिर आगे का एक फंदा जो हमने ऐसे सीधा बनाया, फिर से धागा ऊपर, फिर से आगे के सात फंदे ऐसे उल्टे। धागा नीचे, फिर से एक फंदा बना ऐसे सीधा बनाया और आगे के दो फंदों का फिर से एक फंदा। फिर उसके बाद जाली डाली, फिर ये बीच वाला फंदा बनाया, फिर से जाली, इस बीच वाले के फंदे के साइड में जाली आनी है हमारी पहले, और फिर दूसरी जाली जो हमारी लास्ट में लास्ट दो फंदों के बाद आएगी। तो हमारे ये बीच का फंदा हो गया, फिर जाली, फिर से हमारे आगे के दो फंदों का एक फंदा बनाया, फिर लास्ट का एक फंदा हमारा सीधा, फिर धागा ऊपर, फिर लास्ट के हमारे ये सात और एक आठ फंदा उल्टे। अब उल्टी रो में कुछ नहीं करना, ये सारी उल्टी मैं आपको बना के दिखाती हूँ, जो सीधे वो सीधे और जो उल्टे हैं वो सारे उल्टे बनाने हैं। ये हमारी जो उल्टी रो जो कंप्लीट हो गई, अब फिर से हम सीधी में आते हैं। तो ये हमने पहले सात फंदे जो हमने ऐसे ही उल्टे बनाए, ये सात फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा जो नीचे किया और फिर पहले हमने एक फंदा बनाया था, फिर दो का एक किया था। अब ये हमारे आगे जाली है, ये हमारा बीच वाला फंदा जो है
इसके साथ हमारी जाली डली थी पहले, तो अब हमारे ये दो फंदे हैं, अब इनका हम दो फंदों का एक फंदा करेंगे। दो फंदों का एक कर दिया, फिर दो फंदों का एक कर दिया, उसके बाद हमने जाली डालनी है और फिर ये आगे का फंदा हमने ऐसे बना लिया, फिर ये बीच वाला फंदा बनाया, फिर ये जाली वाला फंदा बनाया पहले का, और फिर हमारा ये लास्ट में दो फंदे हैं। तो ये दो फंदों का एक करने के पहले हमने एक जाली डालनी, फिर ये दो का एक बना दिया, धागा फिर से ऊपर, फिर से आगे के सात फंदे उल्टे, से धागा नीचे, फिर से ये लास्ट में दो फंदों का एक फंदा। दो का एक कर दिया धागा ऊपर, फिर आगे के फंदे हमने ऐसे बना लिए, ये जाली वाला फंदा भी, और फिर से यहाँ जाली, फिर लास्ट के दो फंदों का एक फंदा, फिर से धागा ऊपर, ये लास्ट के फंदे हमने ऐसे उल्टे बनाए, और फिर उल्टी लाइन में भी आपको कंप्लीट करके बताती हूँ पूरी, जो उल्टे फंदे वो उल्टे और जो सीधे होंगे वो सीधे। ये हमारी जो उल्टी रो जो बन के कम्प्लीट हो गई, और ये हमारा जो डिजाइन दो बार बन के कम्प्लीट हो गया। ये ऐसे ही हमारा डिजाइन जो आगे तक डलता जाएगा, ये हमारा एक बार डिजाइन डल गया, ये दूसरी बार, अब आगे हमने ऐसे ही करना है। ये जो उल्टे फंदे हैं ये हमारे सेवन सेवन, ये हमने ऐसे ही ऊपर तक उल्टे बनाते जाना है, और ये जो हमारे जाली वाले फंदे हैं ये हमने क्या करना है, ये हमारे सेवन फंदे हैं, तो सेवन फंदे में हमने एक बीच में फंदा ऐसे सीधा चलाते जाना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये सीधा चलाते जाना है। उस साइड के हमारे तीन फंदे जो हैं, पहले हमने एक फंदा फर्स्ट लाइन में हमने फर्स्ट फंदा जो ऐसे ही बना लेना है, फिर दो का एक करना है, फिर हमने जाली डालनी है, और जब एक लाइन ऐसे कंप्लीट हो जानी है, फिर एक फंदा सीधा, फिर हमने क्या करना है, दो फंदों का एक, और फिर एक फंदा दो फंदों का, एक सीधा फंदा बनाया, फिर जाली, फिर दो का एक, फिर से एक सीधा फंदा। जब नेक्स्ट लाइन जो हमने उल्टी लाइन के बाद हमने थर्ड रो जो कंप्लीट करनी है, तो फिर हमने जो है हमारी इधर हमारे बीच वाले फंदे के साथ हमारी इधर जाली आएगी, तो हमारे इधर दो फंदे बचेंगे, तो फिर हमने इधर दो का एक करना है, फिर जाली, फिर ये फंदा हमने ऐसे बना लिया। ऐसे ही हमारा डिजाइन जो ऊपर तक चलता जाएगा, और उल्टी लाइन में हमने कुछ नहीं करना है, जो सीधे हैं वो सीधे, जो उल्टे हैं हमने उल्टे बनाने हैं। इसमें हमने क्या किया था, नीचे हमने फंदे कम किए थे जो मैंने बताया था, तो हमने ये फ्रॉक टाइप बनाई हुई है थोड़ी, तो हमने ये फंदे नीचे से बढ़ाए और ऊपर थोड़े कम किए। ये आपने डिजाइन डालना होगा किसी स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में या लेडीज़ के स्वेटर में, तो आप इसमें कोई फंदा नहीं कटाएंगे, ऐसे सीधा ही अपना डिजाइन तो चलाते रहेंगे, और ये बीच के फंदे आप सेवन सेवन फंदे ऊपर तक बनाते जाएंगे। ये अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।